गवर्नमेंट की जमीन है, किस तेजी से ये यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है। आप देख लें गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। क्यों नहीं चला है, क्या मकसद है, क्यों आप लोग ने हमारी नहीं सरकारी है ही नहीं है, ये प्राइवेट किसके, ये तो स्कूल सरकारी स्कूल है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन में, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये जर्मन स्कूल है। जी हाँ, ये जर्मन स्कूल बहुत ही कोई पुराना स्कूल है। अगर मैं आपको अतराफ़ के हवाले से बताऊं तो ये जर्मन स्कूल जो है वो 3 स्कूलों पर मुहित है, और ये कई सौ मुरब्बा गज़ ज़मीन है जो कि इस स्कूल के अतराफ़ में, और ये प्लेग्राउंड है जो कि जर्मन प्लेग्राउंड के नाम से जाना जाता था, मगर अब यहाँ पर कब्ज़ा माफिया बराजमान है। मुकदमा न्यूज़ हमेशा से ऐसे केसेस ऐसे प्रोग्राम्स करता है जिसमें कब्ज़ा माफिया का जिक्र हो, जो कि आवाम के पैसों पर खेल रहे हों, जो कि हुकूमत की ज़मीनें जिस तरह से हम शोज़ करते हुए आए हैं, रफाई प्लॉट हो, ग्राउंड्स हो, खेल के मैदान हो या स्कूल हो, वहाँ पर हमेशा से हम यही देखते हैं कि कब्ज़ा माफिया बराजमान हो जाती है और एक मुनज़्ज़म तरीके से उस पर कब्ज़ा करके जो है कंस्ट्रक्शन करवा देती है। हमने मानिक स्कूल के हवाले से भी आपको प्रोग्राम्स किए, उसके तमाम तर तफसलात और जो कब्ज़ा था किस तरह से कब्ज़ा वो दिखाया। हमने औरंगी टाउन के कुछ स्कूल का अहवाल दिखाया, फिर हम कोरंगी गए, मलीर गए, आज हम फिर से औरंगी टाउन में मौजूद हैं, और आप ये देखें कि कितना बड़ा ये स्कूल था जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर अब और सिर्फ कब्ज़ा माफिया है। अच्छा, मैं इससे आपको ये पूरा दिखा दूँ और आप ये देखें मेरे उल्टे हाथ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये कब्ज़ा माफिया की जानिब से करवाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई जिसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकिफ़ इख्तियार किया गया कि इस जर्मन स्कूल पर हुक्मे इम्तना आ चुका था, काम रुकवाया गया था, मगर कब्ज़ा माफिया की जानिब से फिर से तामीरात शुरू कर दी गई हैं। और मैं आपको ये बता दूँ, ये इतनी बड़ी जगह यहाँ पर प्लॉटिंग की जाएगी 80 गज़ की, 120 गज़ की, और यहाँ पर ये जो ज़मीन है जो कि सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये स्कूल जो कि बच्चों के लिए बनाए गए हैं, अब इस पर घर बनेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े घर। और मैं आपको वहाँ का भी अहवाल बता रही हूँ कि किस तेज़ी से ये यहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है और काम हो रहा है, तो मेरे साथ चलिए।